नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले जानकारी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपको देंगे। आपको बता दें कि विधायकों को नहीं हो रहा बर्दाश्त, अभी इंतजार, क्योंकि शुक्रवार और शनिवार को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, ऐसा सूत्र बता रही है। बुधवार देर रात सीएम निवास पर बैठक हुई। सीएम भजन लाल और सीपी जोशी के बीच लंबी मंत्रणा हुई। सीएमआर में 3 घंटे लंबी बैठक चली। विजया राहटकर और राजेंद्र राठौर भी रहे मौजूद। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई चर्चा, विस्तार की तारीख को लेकर हुई चर्चा, सभी नेताओं ने एक साथ डिनर भी किया। तो देखिए, अभी और इंतजार, और शुक्रवार या फिर शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन अभी भी ये फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिर ये पेच कहाँ पर अटका हुआ है, समय क्यों इतना ज्यादा लग रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में, क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा तब तक सरकार का कामकाज शुरू नहीं हो पाएगा। विधायकों को और इंतजार अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किसको कौन सा पद मिलेगा और इस बार कौन ऐसा नया चेहरा होगा जो मंत्रिमंडल में शामिल होगा। जैसे सीएम के चेहरे को लेकर चौंकाया, क्या मंत्रिमंडल में भी ऐसे ही चेहरों को लेकर चौंकाया जाएगा। इस पर सभी की निगराहें लगातार बनी हुई हैं। हर विधायक को ये उम्मीद है कि क्या इस बार उनका तो कैबिनेट में नाम नहीं। तो फिलहाल शुक्रवार और शनिवार को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, ऐसा सूत्र बता रही हैं। बुधवार देर रात सीएम निवास पर बैठक हुई, जहां पर सभी नेता मौजूद रहे और लंबी मंत्रणा चली, 3 घंटे चली। इस बैठक के बाद आखिर क्या निष्कर्ष निकला है उस पर सभी की निगाहें हैं, और सीएमआर में ये 3 घंटे बैठक चली, लेकिन इंतज़ार के पीछे की वजह क्या है इस पर सभी की नज़रें हैं। अभी तक वो तारीख नहीं तय हो पाई है जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिस दिन विधायक शपथ लेंगे मंत्री पद की। सीएम, 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ग्रहण कर ली है, और उसके बाद से इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। लेकिन कई तारीखें अब तक निकल गई हैं, कई नाम चर्चाओं में आ गई हैं। बाबूलाल इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। बाबूलाल, देखिए अभी और कितना इंतजार विधायकों को करना पड़ेगा, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है ये इंतजार। माफ कीजिए, रोशन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। रोशन, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? कल देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो ओटीएच स्थित जो निवास है, वहां पर जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी और जो बीजेपी के सह प्रभारी हैं विजया राहटकर, इन नेताओं के बीच में करीब 3 घंटे तक मुलाकात हुई है, जिसमें बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हुए। इन तमाम नेताओं ने मंत्रिमंडल विस्तार और इसकी तारीख को लेकर करीब 3 घंटे तक चर्चा की। उसके बाद में बताया जा रहा है कि शुक्रवार या शनिवार शाम तक अंतिम ये जो तारीख है, ऐसे में इस तारीख तक मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो पाएगा। ठीक है रोशन, एक सवाल ये भी रहेगा कि इतना लंबा इंतजार, इसके पीछे कारण क्या माने हम? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जो इंतजार है वो काफी लंबा हो गया है। तारीख के ऊपर तारीख वो है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय नेतृत्व से भी मिल चुके हैं। एक ही सप्ताह के अंदर 2 बार उन्होंने दिल्ली की यात्रा की, पीएम मोदी से लेकर जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह है, उन तमाम नेताओं से चर्चा हो गई है। बताया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल को लेकर जो उन्हें जो सूची दी गई है उसके ऊपर अंतिम मुहर भी लग गई थी, जिसमें करीब 17 से 23 जो नाम है वो बताए जा रहे थे। कल इन तमाम नामों के ऊपर जो प्रदेश स्तर के ऊपर चर्चा हुई, साथ ही साथ में बताया जा रहा है कि जो विधायकों को जयपुर के आसपास रहने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, इससे पहले फोन भी किया गया था, इसी को लेकर जो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो राजभवन के अंदर पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि अब ये जो शुक्रवार और जो शनिवार का दिन है, यानी 29 दिसंबर और जो 30 दिसंबर, इन दोनों तारीखों में से तय ये करना होगा कि किस समय और किस दिन जो मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर जो किया जाना है, इसको लेकर राजभवन में तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। मैंने पहले भी बताया है कि जो कल इन नेताओं के बीच में मुख्यमंत्री और जो सीपी जोशी
जो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इन नेताओं के बीच में काफी विस्तार से चर्चा हुई। देखिए इन नेताओं ने देर रात तक करीब 11:15 बजे तक जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो निवास है ओटीएस स्थित वहां पर चर्चा की, वहां पर डिनर इन नेताओं ने किया और बताया ये जा रहा है कि इन 2 तारीखों के ऊपर सहमति बनी है। ऐसे में आज राजभवन को ये जो तारीख के लिए यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर भेजी जाएगी, हालांकि राज्यपाल जो कलराज मिश्र है उनका जोधपुर जाने का कार्यक्रम है, ऐसे में शाम तक वो आते हैं तो संभवतः मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है वो शाम तक राज्यपाल कलराज मिश्र से यहाँ पर बोला। तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल अभी बैठकों का दौर लगातार जारी है और इन बैठकों के बाद ही ये निष्कर्ष निकल पाएगा कि आखिर किस दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि शुक्रवार या फिर शनिवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राजस्थान को नया कप्तान तो मिल गया लेकिन टीम का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। कई तारीखों के बीच लोग बुधवार का दिन तय मानकर चल रहे थे लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद शुक्रवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। राजनीतिक विश्लेषक भी मंत्रिमंडल में हो रही देरी को अलग ही तरीके से देख रहे हैं। उनका कहना है कि वहीं पहले की 2 लिस्ट में युवाओं और जातिगत समीकरणों पर पूरा ध्यान दिया गया था लेकिन इस बार अनुभव को ही पहली गारंटी माना गया है, इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती है। वहीं बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल में विशेष रणनीति अपना रही है। पहले जहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही थी वहीं अब ऐसा नहीं होगा। वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसी के चलते तीसरी बार लिस्ट फाइनल हुई। इन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो वसुंधरा खेमे या जो वरिष्ठ विधायक है उनको जगह दी जाए। इस तरीके से 3 चरणों में जो मंत्रिमंडल का गठन और पोर्टफोलियो का वितरण अटक रहा है। यही कारण है कि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वरिष्ठ भाजपा के नेता उनकी राय स्वीकार कर ली है और जो 90% बिल्कुल यंग फ्रेश मंत्रिमंडल आ रहा था वो अब रुक गया है। अब मिश्रण होगा, इसमें वरिष्ठ भी होंगे और कनिष्ठ भी होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंत्रियों की तीसरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है जिस पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। वहीं मंत्रिमंडल में देरी का मुख्य कारण दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करना। पहले 3 चरणों में होना था मंत्रिमंडल का गठन लेकिन अब एक ही चरण में होगा गठन। यंग कैबिनेट की जगह वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी जाएगी, इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सभी को इंतजार करने की बात कही लेकिन ये नहीं बताया कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तरह के चेहरे होंगे सर कैबिनेट में, कोशिश कैसी है? जी जल्दी इसकी सूचना भी मिलेगी और चेहरे भी सामने आएंगे। हालांकि सीपी जोशी ने पहले कहा था कि राजस्थान में मिनी कैबिनेट का गठन किया जाएगा जिसमें सीएम समेत करीब 15 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा लेकिन पार्टी की ओर से कैबिनेट को विस्तार पूर्वक गठन करने का विचार कर रही है। अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बड़ा मंत्रिमंडल होगा और इसमें करीब 23 से 24 मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सीएम की ओर से लिस्ट सौंप दी गई है जिस पर अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा देरी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।